वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एम आई वाई 12 के बारे में, जैसे कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे अपडेट हुआ है 12.0.1.0 जो कि यहाँ पे इंडिया में। तो यहाँ पे मैं इस जैसे कि यहाँ पे एम आई वाई 12 के बारे में ही बात करने वाला हूँ, जो कि इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या चेंजेस मिलता है और स्टेबल है कि नहीं है, आपको यहाँ पे अपडेट करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो एम आई वाई 12 उसका नाम दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे यूएस अलोन जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और सिस्टम एनिमेशंस में यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल जाता है। ऑल न्यू फिजिकली बेस्ड एनिमेशन इंजन विद एडवांस्ड आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है, सभी एनिमेशन यहाँ पे चेंज किया गया है और सिस्टम विजुअल्स आप यहाँ पे देख सकते हो भी चेंज किया गया है। उसके बाद जो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे एम आई वाई 12 में, और यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन बार का जो है यहाँ पे कंट्रोल सेंटर भी अलग से ही देखने को मिल जाता है और होम स्क्रीन ऐप्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी आपको यहाँ पे एक न्यू आपको ऐड किया गया है। वेदर का आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है और लाइट मोड का आपको जो है यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर, उसको भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। नोट्स का आपको यहाँ पे न्यू आपको यहाँ पे जो है ऐड किया गया है और सिक्योरिटी में जो है न्यू एनिमेशन स्पील्स नेचर एंड रिफ्रेशिंग, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे न्यू फीचर्स ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1st of July का आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 मिल जाता है और यहाँ पे जो है वर्जन है 12.0.1.0 जो कि यहाँ पे एक इंडियन वर्जन है, इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी कूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है MIUI 12 जो कि यहाँ पे आपको स्टेबल रिलीज हुआ है रेडमी नोट 8 प्रो के लिए, जैसे कि बीटा नहीं है कुछ भी नहीं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेबल रोल आउट हो चुका है जो कि बहुत ही यहाँ पे रिसेंटली रोल आउट हुआ है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करूँगा, जैसे कि परफॉर्मेंस के साथ सभी यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ जो कि यहाँ पे सेटिंग्स में जो कि आपको क्या क्या न्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉक स्क्रीन में यहाँ पे आपको जो है सेम मिल जाता है, पॉकेट मोड यहाँ पे सभी ऑलमोस्ट सेम है। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे नया जैसे कि डार्क मोड वाला सपोर्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप्स को भी यहाँ पे डार्क कर देता है। उसके बाद जो है कंट्रोल सेंटर का आपको यहाँ पे न्यू आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पे नॉच को हाइड कर सकते हो। उसके बाद जो है न्यू कंट्रोल सेंटर, इसको भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो जो कि यहाँ पे आप इसको बंद भी कर सकते हो। बैटरी परसेंटेज को नेक्स्ट भी आइकॉन रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाता है जो कि यहाँ पे आप ऑल परमिशन आप यहाँ पे देख सकते हो कौन से एप्लीकेशन को कौन सा परमिशन दिया है। इसके बाद जो है बैटरी एंड परफॉर्मेंस में इसके अंदर आपको यहाँ पे बार का जो है एनिमेशन चेंज देखने को मिल जाता है, बैटरी सेवर अल्ट्रा बैटरी सेवर, यहाँ पे आप बैटरी बैकअप भी एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ देख सकते हो 41 आवर यहाँ पे रिमेनिंग बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपको पता चल जाएगा बैटरी बैकअप कैसा है। तो यहाँ पे मैंने चार्ज किया था, फिर बाद में पबजी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा खेला हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो 7 hours and 48 minutes यहाँ पे मैंने पबजी प्ले किया था। तो बेशक यहाँ पे आप जो पबजी के मामले में भी ये MIUI 12 जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद जो है डिजिटल वेलबींग मिल जाता है, यहाँ पे स्पेशल फीचर्स भी मिल जाता है जैसे कि गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकेंड स्पेस, यहाँ पे लाइट मोड जो कि ये जो है एक न्यू ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है और सभी यहाँ पे आपको सेम मिल जाता है। और जैसे कि यहाँ पे मैं मेन बात कर लूँ जैसे कि वोल्टी स्टेबिलिटी की, यहाँ पे जो है अपडेट में जो है वोल्टी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाता है जो कि एज़ कम्पेयर टू MIUI 11 इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे स्टेबल आपको कनेक्शन देखने को मिल जाता है वोल्टी का, यहाँ पे आपको सेम मिल जाता है, कोई भी आपको चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे आपको कैमरा जो है न्यू कैमरा मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाइड एंगल हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वाइड एंगल के बाद जो है आप यहाँ पे 2x zoom, यहाँ पे 1x zoom, उसके बाद जो है यहाँ पे माइक्रो मोड, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि माइक्रो मोड के बाद जो है 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे प्राइमरी सेंसर मिल जाता है जो कि एक अलग से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है 64 मेगापिक्सल जो कि अल्ट्रा HD इज ऑन। यहाँ पे आपको गूगल कैमरा भी सपोर्टेड है इसके अंदर कैमरा टू API एनेबल होने के कारण। यहाँ पे मैं पबजी प्ले कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में MIUI 12.0.1.0 कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको यहाँ पे फ्रेम रेट्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं एक बात बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पे आपको ग्राफिक सेटिंग मिल जाता है, स्मूथ के साथ एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है और HDR के साथ आपको यहाँ पे एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको आप अनेबल नहीं कर सकते हो नॉर्मल टाइम में। तो इसको कैसे अनेबल करें उसके बारे में यहाँ पे मैं वीडियो बना के बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रीम में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे परफॉर्म करता है HDR विद एक्सट्रीम, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको क्वालिटी जो है सिस्टम का एक नंबर देखने को मिल जाता है।
देख सकते हो ग्राफिक का क्वालिटी कैसा है। ग्राफिक देख सकते हो, शैडो भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाता है। देख सकते हो कोई भी हीटिंग इशू नहीं है यहाँ पे, बैटरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत लैग कर सकता है, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम प्ले करोगे तो यहाँ पे बेशक लैग करेगा, जो कि यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम अभी स्टार्ट किया हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेम रेट भी बराबर आ रहा है, उसके बाद जो यहाँ पे आपको ग्राफिक भी यहाँ पे सही आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इस रोम का परफॉर्मेंस, जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। जो कि यहाँ पे आपको ग्राफिक सेटिंग जो चेंज करने का ऑप्शन है, वहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो विदाउट एनी ऐप के। आपको रूट की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। सिंपल आपको एक फाइल को यहाँ पे कॉपी करना है, उसके बाद आप यहाँ पे SDR से यहाँ पे एक्सट्रीम में भी जा सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है वीडियो एक आपको यहाँ पे बताना था कि एक स्टेबल आपको यहाँ पे MIUI 12 का वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सभी आपको स्टेबिलिटी है। आपको यहाँ पे जो कि वोल्टी यहाँ पे स्टेबल है, आपको यहाँ पे सभी वर्किंग है, आपको कोई भी यहाँ पे बग देखने को नहीं मिलेगा।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे कि रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।